हेलो गाइस, वेलकम टू सर्विस प्लानेट। ये एक एचपी का G62 लैपटॉप है, मुझे डेड कंडीशन में रिसीव हुआ है। एडाप्टर लगाने से ये 0.06 कंज्यूम हो रहा है, पावर बटन प्रेस करने से यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं है। 0.06 मतलब मेरा विन सेक्शन बन चुका है। तो आगे मुझे फॉल्ट इसको ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं इसका बार बोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ। तो अभी स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। पावर बटन सबसे पहले लगाते हैं, पावर एडाप्टर। यहाँ पे चार्जिंग एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स मेरा यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन का एरर हो सकता है। तो सबसे पहले एक बार विन को चेक कर लेते हैं। ये बोर्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे विन से मिला है। इनपुट 19 वोल्ट, आउटपुट भी 19 वोल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले इसका एक बार सेवन स्टिक को ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा सेवन स्टिक है, यहाँ पे डीसी जैक है, यहाँ पे मेरा वोल्टेज इनपुट हो रहा है, और ये एक 3 लेग्स डायोड है, ये फॉरवर्ड बायस होके मुझे इस पॉइंट पे एक वोल्टेज एडाप्टर का एक पॉइंट मिल रहा है। और फिर ये फर्स्ट जो मेरा मॉस्फेट है उसका ड्रेन के साथ कनेक्टेड है, EQ52। तो इसका गेट ड्राइव भी चाहिए इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट में ट्रांसफर करने के लिए। तो इसका गेट ड्राइव में थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे है, गेट ड्राइव यहाँ से कनेक्टेड है, और यहाँ पे देखिए VH28। VH28 PR227 जो रजिस्टर है इसका इस पॉइंट पे आना चाहिए। उसके बाद ये पुल अप रजिस्टर के जरिए इस पॉइंट पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ पे एक SCOK यहाँ पे आ रहा है, SCOK IN। तो SCOK IN भी इस पॉइंट पे आ रहा है। उसके बाद फिर ये पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा है और ये पॉइंट गेट के साथ कनेक्टेड है। तो अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे PR229 है जो 100 ओम्स रजिस्टर के रजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक इन चैनल मॉस्फेट लगा हुआ है। तो ये मॉस्फेट का गेट पे अगर SCOK आएगा तो यहाँ पे ये ग्राउंडिंग ऊपर चला जाएगा। तो फिर ये इस पॉइंट पे एक वोल्टेज डिवाइडर तैयार हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक अवेलेबल वोल्टेज आएगा, ये मेरा फर्स्ट रजिस्टर हो जाएगा और ये मेरा सेकंड रजिस्टर हो जाएगा, क्योंकि ये SCOK आने से ये ग्राउंडिंग ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने से मुझे 19 वोल्ट मिल रहा है। तो एक बार इस पॉइंट को, ये टोटल पॉइंट को एक बार मदरबोर्ड में भी देख लेता हूँ।
तो ये मेरा फर्स्ट मॉस्फेट है। सबसे पहले VH28 को पॉइंट करते हैं। ये पॉइंट पे होगा, मेरा मल्टीमीटर में देखिए 27.62 वोल्ट आ रहा है, लेकिन ये रजिस्टर क्रॉस करने के बाद ये हो जा रहा है 5 वोल्ट 7 वोल्ट। ओके, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मेरा इस पॉइंट पे मेरा एसी ओके इन आएगा, यहाँ पे 7 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे भी 7 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे 19 वोल्ट आ चुका है, यहाँ पे मेरा 7 वोल्ट ही आ रहा है, और आउटपुट भी 7 वोल्ट ही हो रहा है। तो मैं इसको एक बार शॉर्ट करके देख लेता हूँ। यहाँ पे अगर शॉर्ट करने से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एडाप्टर का इंडिकेटर ग्लो हो गया, मतलब किसी भी हाल में मुझे ये गेट के पॉइंट पे 19 वोल्ट लाना है। तो जो मॉस्फेट के बारे में बात किया था वो मॉस्फेट यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे ये मेरा गेट है, यहाँ पे SCO के हैश आना चाहिए, मतलब एक हाई लॉजिक आना चाहिए, यहाँ पे कोई हाई लॉजिक नहीं आ रहा है। सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे ग्राउंड होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे पिन नंबर 2, 3, एक बार फिर से बस देख लेता हूँ उस स्टिक को। ये मेरा मॉस्फेट है, पी चैनल मॉस्फेट है, पिन नंबर 1 ग्राउंड है, पिन नंबर 2 में मेरा एसी ओके आएगा, तो ये ग्राउंड के पिन नंबर 3 में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये मेरा पिन नंबर 1 ग्राउंड है, पिन नंबर 2 में कोई हाई लॉजिक नहीं आ रहा है, तो पिन नंबर 3 में भी कोई ग्राउंड पास नहीं हो रहा है। तो मुझे इस पॉइंट पे SCO के हैश एक हाई लॉजिक मिलना चाहिए। तो सर्च करते हैं हाई लॉजिक कहाँ पे है, कौन सा सेक्शन से ये निकलेगा। तो SCO के हैश को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऑलरेडी मैं एक बार सर्च कर लिया था, तो एक बार चेक करते हैं। तो SCO के हैश मुझे इस पॉइंट से रिलीज हो रहा है, थोड़ा सा पिक्चर छोटा करने से ये पता चल रहा है नंबर से, ISL6251 ये मेरा चार्जिंग IC है। एक बार फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ। चार्जिंग IC को आप ये जो पावर सोर्स है हमारा ये CLR से पता चल जाता है, क्योंकि CLR का जो 2 पॉइंट है सिर्फ चार्जिंग IC पे ही इन होता है। तो ये 23 नंबर पिन पे मुझे SCO के मिल रहा है कि नहीं, ये अब मुझे देखना पड़ेगा और सर्च करते हैं SCO के और कहाँ कहाँ पे जाएगा। वहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है PQ10, ये ट्रांजिस्टर भी मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्राइव वोल्टेज आने के बाद इसका फंक्शन चालू होगा। तो मुझे ये सेक्शन और ये IC को चेक करने से ही मुझे इसका सलूशन मिल जाएगा। तो एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेता हूँ।
तो फाइनली मुझे प्रॉब्लम मिल गया। मुझे ये जो PD7 जो है डायोड, ये डायोड में मुझे प्रॉब्लम मिला है। ये डायोड शॉर्ट हो चुका था तो ग्राउंड इसका ऊपर चला गया था। दैट मीन्स AAC होके पूरी तरह से ग्राउंड हो गया था। मैं बोर्ड में इसका आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लगा हुआ है PD7। ये जो डायोड है ये डायोड शॉर्ट हो गया था। आप इसको चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं, ये प्रोटेक्शन डायोड है। तो अभी एक बार मैं इसका प्रॉब्लम देख लेता हूँ सॉल्व हुआ कि नहीं। तो मैं इसको पावर बटन कनेक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे पावर इंडिकेटर जल गया। पावर बटन प्रेस करने से ये ऑन भी हो रहा है। और यहाँ पे मेरा USB का डेटा आ गया, मतलब डिस्प्ले भी आ चुका है। तो इस टाइप के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।